त्रिगुण कृपया ध्यान दे, आने वाला सफर काफी सुहाना है, तो अपने मानसिक स्थिति को बोलिए थोड़ा चिल मार। तो कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए, कानों में ईयरफोन्स डाल दीजिए और इस मनोरंजक सफर का आनंद उठाइए। धन्यवाद। नमस्ते, नाम है मेरा तेजस सोनोने, हूँ मैं आपका दोस्त और इस सफर का होस्ट। इस सफर में मैंने एक अनुभव लिया, एक अविस्मरणीय रात का, एक मैजिकल सा एक्सपीरियंस, लाखों करोड़ों सितारों के बीच। ये मैं अकेले तो नहीं कर सकता ना, तो मैं गया था स्टार गेजिंग मुंबई के साथ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुंबई की जो 8 साल से चलती आ रही है। जैसे हर चीज की एक शुरुआत होती है, एक कारण होता है, एक रीजन होता है, वैसे भी इस सफर के लिए एक शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार गेजिंग के साइट पे जाना है, तो वही चलते। फाइनली हम आसनगांव के स्टार गेजिंग के साइट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आजा पर्वत है, काफी फेमस पर्वत है यहाँ इस साइड का, आसनगांव साइड का, वो आपको दिख रहा है। और आपको रतनगढ़ का बैक साइड भी दिख रहा होगा अगर आपको पता है तो। तो ठीक है, अभी हम बात करेंगे स्टार गेजिंग के कोर मेंबर के साथ, मिस्टर चिंतन पटेल। हेलो, अभी हम है चिंतन पटेल सर के साथ, जो स्टार गेजिंग टीम के कोर मेंबर है। सो इज ऑल्सो इन क्राउड मैनेजमेंट एंड स्टफ। सो सारे पब्लिक को उन्होंने लाया बस में। सो चिंतन सर, आप मुझे क्या बता पाएंगे कि मतलब स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक आप क्या क्या करते हो? अच्छा, सो बेसिकली मेन काम हमारा एक ही है, हमारा एम यहाँ पर लाइक सिटीज है, जितना हो सके उतना दूर जाना है हमको, पॉसिबली जितना फार, क्योंकि जितना कम लाइट होगा, आर्टिफिशियल लाइट जितना कम होगा उतना अच्छा हमको स्काई मिलेगा। तो बेसिकली प्लान ज़्यादा कोई खतरनाक प्लान नहीं होता, एक टाइम डिसाइडेड होता है, हम लोगों को बोलते हैं और कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेट से आसनगांव स्टेशन पे एक हमारा स्पॉट है, एस्केलेटर हमारा लैंडमार्क है, तो वहाँ पर आने हम उनको बोल देते हैं। तो 3 ट्रेन होती है ऑप्शन में, क्योंकि सब लोग को एक ट्रेन पकड़ेगा नहीं और आसनगांव के साइड फ्रीक्वेंसी कम होती है ट्रेन की, तो हम लोग एम इंडिकेटर से यूजुअली 3 ट्रेन बोलते हैं और एक लिमिट सेट करते हैं कि दिस इज द लास्ट, इसके बाद हम रुक नहीं सकते, क्योंकि एक दो जन के लिए वेट करना इज नॉट फिजिबल। सो आसनगांव स्टेशन से थोड़े ही दूर पे, लेट्स से अराउंड 200 मीटर्स, हमारी एक बस होती है। तो एक बार हम लोग पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं, हम फिर बस की तरफ जाते हैं। बस से देहने इट इज़ अ 75 मिनट्स रूट। तो फिर बस में वही नॉर्मल गप्पे मारते हैं, स्टार गेजिंग की बातें करते हैं, बेसिकली क्या करेंगे हम लोग। और एक बार साइट पे आ जाए फिर तो पिक्चर आगे बाकी पता चल ही जाएगा।
सो एक और आखिरी सवाल था मेरे आपसे कि जो पार्टिसिपेंट्स आ गए सारे जो जितने भी आपके वॉलंटियर्स है वो सब फ्री हो गए कैंप सेट्स वगैरह, तो रात से लेके मॉर्निंग तक का क्या शेड्यूल रहता है, आप क्या क्या दिखाते हैं? तो जैसे कि अभी इवेंट जस्ट स्टार्ट होने वाला है तो सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट्स को ऑब्वियसली इकट्ठा करते हैं बाहर एक कॉमन एरिया में, सब लोग बैठते हैं, वो स्काई से बहुत अच्छे से वर्स रहे लाइक बस स्काई का पार्ट है वो, तो वो जो कॉन्स्टेलेशंस दिखता है लोगों को इमेजिन करवाता है, एग्जैक्टली बताता है कि कौन सा स्टार है, सो दैट पीपल कैन फिगर आउट, वो अपने माइंड में एक शेप बना पाए कि हाँ ये कॉन्स्टेलेशन हम देख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेलेशंस से, फिर उसमें स्टोरीज थोड़ी बहुत ऐड करते हैं। एक बार वो हो गया, एक बार इनफ अंधेरा हो गया कि जैसे कि अभी ये लाइट हम सिर्फ मून देख सकते हैं फिलहाल, स्टार्स नहीं देख सकते, फिर डीप स्काई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, तो एक बार इनफ अंधेरा हो गया फिर हमारा होता है टेलीस्कोप सेशन वन। उसमें टिपिकली डिपेंडिंग अपॉन हम किस टाइम पे इवेंट कर रहे हैं, समर्स में विंटर्स में, अगर प्लैनेट जल्दी सेट होने वाले हैं तो प्लैनेट्स दिखाते हैं, अगर प्लैनेट्स लेट सेट होने वाले तो कुछ और दिखाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेजरली फर्स्ट सेशन में मून तो होता ही है क्योंकि राइट नाउ वी कैन सी द मून, राइट, तो हम मून दिखाते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं। उसके बाद डिनर ब्रेक होता है, डिनर ब्रेक हो गया, एक बार डिनर ब्रेक हो जाएगा फिर हम डायरेक्ट टेलीस्कोप सेशन पे नहीं जाते हैं, हम एक पीपीटी सेशन लेते हैं। हर सेशन में जैसे कि आज एक दहने का, नेक्स्ट दहने का, हर इवेंट में अलग टॉपिक होता है, तो हर सेशन के लिए अलग पीपीटी होता है, तो आज का कुछ टॉपिक है मैंने प्रिपेयर किया है तो आज मैं पीपीटी लूंगा। उसके बाद हम जाते हैं, जैसे हमारा डिनर हुआ, पीपीटी सेशन हो गया, फिर हम जाते हैं टेलीस्कोप व्यूइंग टू पे, दूसरी बार हम दूसरे सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं सेम फिर कॉन्स्टेलेशन के ऊपर वापस थोड़ा सा, और फिर जैसे मॉर्निंग हो जाती है तब तक लाइक लेट या फिर अर्लीश मॉर्निंग, तो तभी हम दिखाते हैं प्लैनेट्स यूजुअली जो रूटीन होता है हमारा, और फिर मॉर्निंग हो जाएगा सनराइज होने लगेगा फिर हम सोलर फिल्टर लगा के सन दिखाते हैं। तो लाइक ये एक टेंटेटिव प्लान होता है बट चेंज होते रहता है क्योंकि अगर लेट से अभी कोई एंड्रोमेडा गैलेक्सी फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छी दिख रही है तो हम बीच में वो सेट कर सकते हैं, सो इट्स नॉट लाइक वी हैव अ प्लान बट इट्स नॉट लाइक यही फॉलो करना है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द स्काई इज वी आर फ्लेक्सिबल टू चेंजेस। पर्सनल एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा गाइस कि स्वेटर या फिर कंबल वो लाना, वो पक्के से लाना क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बचती है। Yes, it's going to be cold. लास्ट नाइट का जो स्टार गेजिंग मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया दैट वाज वे टू ब्यूटीफुल, मतलब आई जस्ट रिकमेंड यू कि वो आप खुद से लाइक स्टार गेजिंग मुंबई के साथ आओ, आप खुद बुक करो, खुद एक्सपीरियंस लो, देर वेर लाइक लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसलिए मैंने यजगताप से बात की, ये भी वन ऑफ द कोर मेम्बर्स है, सो आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस यजगताप कि इन्होंने भी स्टार गेजिंग 2 साल से ये कर रहे हैं, सो इनसे हम पूछेंगे कि लास्ट नाइट हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे। ओके सर, लास्ट नाइट प्रोमिनेंटली हमारे जो प्लैनेट्स थे जुपिटर और सैटर्न पहले वो देखे, उसके बाद देन वी सॉ एंड्रोमेडा गैलेक्सी, देन वी सॉ एचएन का स्टार क्लस्टर, तो ये हम लोग ने फर्स्ट सेशन में देख लिए थे। फिर सेकेंड सेशन में आने के बाद वी सॉ द विंटर कॉन्स्टेलेशंस, उसमें हम लोग ने ओरियन नेबुला एक डीप्स का ऑब्जेक्ट है वो देखा, right. फिर देन वी सॉ प्लेडीज जो कि एक ओपन स्टार क्लस्टर है ब्यूटिफुल, वो एक देखा, देन अगेन वी सॉ अ लॉट ऑफ ओपन स्टार क्लस्टर्स लाइक द मेसियर 41 हो गया, M35, बीहाइव हो गए, लिटिल बीहाइव जो M41 था, और ऐसे करते करते वी सॉ अराउंड 15 ऑब्जेक्ट्स इन अ विंटर स्काई विच इज़ अ क्वाइट गुड नंबर टू बी ऑनेस्ट। और ऑल्सो हमने रात में
इनसे थोड़ी एस्ट्रो फोटोग्राफी भी सीखी. या वी डिड अ लॉट ऑफ एस्ट्रो फोटोग्राफ्स एंड जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे और जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने बहुत लाइक बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लिए, तो वो सब आपको दिख ही जाएंगे. Hi, my name is Madhya Sherewala. Hi, my name is Divya Jain. So, मतलब honest feedback दीजिए, आपको event कैसा लगा? So honestly, it was magical. Like lying down and looking at the stars. We have never experienced something like this in city. Also, we got to know a lot more about different constellations and different names of different stars. So a lot of knowledge as well. So overall, what I would say is that my experience was amazing, and I'm looking forward to attending more of such kind of events organized by Star Gazing. Thank you. Yeah, so it was really great. The volunteers were really helpful. They helped me set up my camera and everything over here. Right. And yeah, it's a great place. We have about 7 to 8 telescopes here. We spotted around how many? 15 objects in the sky. True. Yeah, and it was great overall. भैया आपका कैसा था? Yeah, really. So this was my first time stargazing, right? Right. So really looking forward to the next session. This session was of course great. Overall organization, transport, camping, overall stargazing experience out of the world. Yeah. So looking forward to the next session. For me, it was the first time I have experienced. Lying under the sky was awesome, and the morning, the rise between the mountains was very much, very much pretty, and I loved it. Looking forward for the second experience also with you. Okay. Thank you.